नमस्ते जय माता दी और जय भारत। और देखते हैं कि 26 तारीख यानी संडे की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। कार्ड्स मैंने जो यूज़ किए हैं, अपसाइड जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ और जो इसकी बैक साइड है वो बताएगी बड़े लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी 26 तारीख को जनरल एनर्जी क्या है और 26 तारीख को क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। सो वी हैव टू कार्ड्स, सो लेट्स सी नाउ थ्री कार्ड्स। मैसेज का कार्ड भी ले लेते हैं क्योंकि देवी माँ के नवरात्रे जो हैं वो चल रहे हैं, तो मैंने इसीलिए योगिनी कार्ड्स लिए हैं मैसेज के लिए। सो लेट्स सी 26 तारीख को योगिनी में से क्या मैसेज है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। सो सबसे पहले 26 तारीख के लिए जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इनर एबिलिटीज, अपनी पावर, अपनी एनर्जी जो है, अपना सिंहासन जो है उसको क्लेम करने का, उसको उस पर बैठने का, क्लियरली कम्युनिकेट करने का, अपनी स्वोर जो है अपने हाथ में रखने का, लेकिन सब चीज़ें जो है सामने विजिबल नहीं करने का है। तो कुछ आपको डेफिनेटली उनकी हेलमेट यहाँ पे पड़ी हुई है इफ़ यू सी क्लोज बाय, और एक लेग ढकी हुई है, आप सिर्फ एक लेग देख सकते हो, और वो अपने सिंहासन पे है, तलवार हाथ में स्ट्रांग पकड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो अपनी पावर, अपनी एनर्जी को समझना, अपनी अथॉरिटी को समझना, अपनी एबिलिटीज को समझना और कम्युनिकेशन जो है उसको क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। दूसरी एनर्जी जो है लेट गो की एनर्जी है। सन एंड मून दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इस वीकली एनर्जी में भी ऐसा आया है सन और मून दोनों की एनर्जी। ये कप्स जो है वो कहीं ना कहीं टूट गए हैं, फट गए हैं एंड दिस पर्सन इज लीविंग इन कप्स को छोड़कर। तो ये पर्सन कप्स को छोड़कर बाहर जा रहा है। यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी नजर आ रही है। और तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर इवैल्यूएशन की एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स है, समबडी स्टैंडिंग हियर एंड स्माइलिंग ना यहाँ पर मुझे, एंड ये नाइन की एनर्जी है। सो दिस इज फाइव एट और नाइन की एनर्जी, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टी नाइन की एनर्जी और नाइन्टी फोर की एनर्जी, हाउ एवर यू वॉन्ट टू सी इट। बट यहाँ पर जो एनर्जी है जो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है दैट ये जो एनर्जी है ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है दैट कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है या आप ले सकते हो जहां पर आप किसी चीज़ को लेट गो करो, किसी चीज़ से आगे मूव करो और उसका रिजल्ट भी आपको इमिडिएटली देखने को मिल जाए और कुछ बहुत बेहतरीन आपकी तरफ आए। दूसरा मुझे यहाँ लगता है अगर आप किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रांगली कायम थे अपने वर्ड पर, अपने एक्शन पर, अपनी एनर्जी पर, तो पास्ट से कोई चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती है एंड और पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है एंड दिस इज मच अवेटेड। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर वेट है, लेकिन वेट के साथ इफ यू सी तो ये पर्सन ऑलरेडी देख रहा है कि कौन आ रहा है, तो स्माइलिंग ऑल्सो। सो मुझे यहां पर दूसरी एनर्जी जो है वो ये दिखाई दे रही है। तीसरी एनर्जी में आपको ये बोलूंगी कि अगर किसी चीज पे आप बहुत स्ट्रांगली अड़े हुए हो तो थोड़ा सा, ऑफिस में भी हो सकता है, वर्क में भी, फैमिली में भी हो सकता है, किसी बहुत स्ट्रांग स्टेप ले रहे हो तो थोड़ा सा आप अपने आप को ईज करना, थोड़ा सा लेट गो करना, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना और फिर देखिएगा कि सामने वाले की तरफ से भी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, सामने वाले की तरफ से भी एक स्टेप आगे आएगा और चीज़ें जो है आपकी बेहतरी के लिए बदलेंगी। यहाँ पर एट और नाइन दोनों एट ऑफ कप्स हैं और एक्चुअली फ्लो बताते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ा और यहाँ पर विश फुलफिल हो गई, जिनी मिल गया और कंप्लीशन हो गई। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है संडे की जहाँ पर एक्चुअली अगर आप पूरी तरह से फोकस्ड थे किसी चीज़ पे और आपने मैनिफेस्टेशन करके रिजल्ट का फोकस छोड़ दिया, आप रिजल्ट पे फोकस नहीं रहे, तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा और समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में आएगा। और यहां पर अगर योगिनी की एनर्जी देखें हम, तो योगिनी जो है यहां पर आई है वो है नंबर 14, फिर से फोर की एनर्जी, 14 काकुपदा आई है और ये जो एनर्जी है अगर लिटरली देखें तो किसी पर्सन के ऊपर इनका पैर है और मैं इस एनर्जी को आपको पढ़ के बुक से बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली मैसेज क्या है काकुपदा का। और ये जो मैसेजेस हैं इनको आप अगर पूरी तरह से अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये जो कार्ड है ये बेसिकली है फाइटर एनर्जी का, जो नेगेटिव एनर्जीज को फाइट करती हैं, ऑब्स्टेकल्स को फाइट करती हैं और डिवाइन एनर्जी का फ्लो जो है उसको बढ़ाती हैं। तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी बोलती है कि आपके पास एबिलिटी है डिस्ट्रॉय, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने की, चाहे वो आपकी बॉडी की हो, चाहे वो आपकी एनवायरमेंट की हो, और आपने यही करना है। आपने प्रेयर करनी है इस दिन की जो भी नेगेटिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। आप हम चैंटिंग कर सकते हैं, HUM हम चैंटिंग कर सकते हैं और
और साथ में आपने अपनी एनर्जी जिस तरह से आगे करनी है कि जिस भी तरह की नेगेटिविटी है, जितनी भी स्ट्रांग नेगेटिविटी है, जितनी भी स्ट्रांग वो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, या आपके आसपास है, या आपकी एनर्जी में है, या कोई नेगेटिविटी फैला रहा है आपके अंदर, वो एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की. सी दिस इज, जब आप अपनी पूरी एनर्जी में आ जाएंगे तो जो भी आपको बॉदर कर रहा है आप उसको लेट गो करेंगे, जो भी टूटा फूटा है, जो भी गलत है आप उसको लेट गो करेंगे और वहां से एक्चुअली एक नई एनर्जी आपकी तरफ आएगी. यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगी, अगर आपके घर में कहीं टूटी फूटी चीजें हैं तो उनको जिसको जरूरत है उसको दीजिए या हटा दीजिए घर से, और आप देखेंगे आपके घर की एनर्जी भी बहुत चेंज होगी. अब देखते हैं बड़े लेवल पे क्या एनर्जी है, मतलब पॉलिटिकल और इंडिया और वर्ल्ड में क्या एनर्जी है. तो यहाँ पर मुझे बड़े लेवल पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है लोटस, सो मुझे लगता है कि बीजेपी क्योंकि इंडिया, सो मैं यहाँ पर क्योंकि इंडिया इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है तो मैं इंडिया की तरह इस एनर्जी को ले रही हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला है, बहुत पावरफुल डिसीजन लेने वाला है, और वो जो डिसीजन होंगे वो इंटरनेशनली भी इम्पैक्ट करेंगे. दूसरा मुझे यहाँ लग रहा है समबडी जो या तो कोई और कंट्री भी, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ, ऐसा किसी और कंट्री के साथ जाए और वो सामने आए, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे एक दिखाई देती है संडे को. दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये दिखाई देती है कि इंडिया माइट टेक अ डिसीजन टू हेल्प समबडी, और वो हेल्प जो है वो पहुंचेगी भी और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा. दूसरा मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन होगा और वहां से डेफिनेटली इंडिया के लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा. प्लस मुझे थोड़ा सा यहां पर जो कि इस हफ्ते की एनर्जी में भी आया है कि वैल्यूएशन दिखाई दे रही है एटमिक वेपन यूज करने की, और मुझे लगता है कि यहां पर हो सकता है कि इंडिया कोशिश करे रोकने की उस चीज को, बट और थोड़ा सा टेम्परेरी सक्सेसफुल भी हो जाए, बट लॉन्ग टर्म मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है पॉसिबिलिटी. और पॉलिटिक्स या इन जनरल बड़े लेवल पे अगर मैं बोलूँ जो चीज़ें हो रही हैं, एजेंसीज जो एक्शन ले रही हैं उनसे रिलेटेड कोई रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है. तो अभी तक एक्शंस तो बहुत कुछ हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन अब वो एक साथ रखे जा सकते हैं सारी चीज़ें, बट एक मिसिंग जो है उनमें रहेगा, या हो सकता है कि एजेंसीज ने अभी तक जो एक्शन लिया है वहां पर कुछ एक चीज़ जो है वो मिसिंग है. क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर 8 कप्स है लेकिन 1 कप यहां पर मिसिंग है और वो 1 कप जो है वो यहां पर है. तो जो चीज़ मिसिंग रही है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने की, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को चाहे किसी एक्शन को, वो कंप्लीशन जो है वो यहां पर दिखाई देगी या वो कंप्लीशन जो है वो यहां पर मिलेगी. तो संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत पावरफुल भी रहने वाला है. 914 सो बहुत पावरफुल रहने वाला है और यहां पर भी 4 की एनर्जी बनती है. तो अगर हो सके तो वीडियो औरों तक जरूर पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें. वीडियोज बनाना जो है वो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उसके साथ में अगर वो आपको आप तक पहुंचे, दूसरों तक पहुंचे और हेल्प मिले तो वो मेहनत जो है सक्सेसफुल हो जाती है. तो प्लीज ये जरूर करें. थैंक यू सो मच, और बात करते हैं आगे के दिनों की.